नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया कनेक्ट में। मैं हूं कायनत अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज विशेष रहने वाली इस खबर के साथ। हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड के सीएम का दिल्ली दौरा आज। केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। तो हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड के सीएम का आज दिल्ली दौरा रहने वाला है। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात और कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड के सीएम आज पहुंचेंगे दिल्ली। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की संभावना और कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रियंका राय दिल्ली से जुड़ गई हैं। प्रियंका, जरा बताएं कि ये जो दौरा है इसे कैसे देखा जाए। तीन राज्यों के मुख्यमंत्री आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं, इस मुलाकात को, इस दौरे को कैसे देखें? जी करण, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिलहाल दिल्ली में मौजूद हैं। इस दौरे को अहम माना जा रहा है क्योंकि इस दौरे के दौरान हमने देखा कि कल शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक डिनर पार्टी दी गई थी, फेयरवेल डिनर था। ये जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनके विदाई समारोह के रूप में उनको फेयरवेल दिया गया। और इस दौरान हमें देखा कि तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। आज भी इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं और आज का दिन भी काफी खास माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ अहम मुलाकात हो सकती है। अगर बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात कर सकते हैं और उत्तराखंड को लेकर चर्चा की जा सकती है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में आगामी समय में विधानसभा चुनाव होने हैं तो ये दौरा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए भी काफी खास माना जा रहा है क्योंकि इस दौरे के दौरान ऐसा हो सकता है कि वे हिमाचल के परिक्षेप में बहुत सारी चीजों पे इम्प्लीमेंटेशन करते दिखे, बहुत सारे नेताओं से मिले और हिमाचल में आगामी विधानसभा में क्या रणनीति होगी उसको लेकर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। तो वहीं अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दौरा भी काफी खास है, काफी अहम है। आज ऐसा माना जा रहा है कि वो जो नव निर्वाचित राष्ट्रपति हैं, 25 तारीख को शपथ लेंगी द्रौपदी मुर्मू, उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। तो वहीं देर शाम एक अहम बैठक भी हो सकती है जो हरियाणा के दृष्टिकोण से काफी खास हो सकती है। बिल्कुल प्रियंका, ये दौरा जो है कब समाप्त हो जाएगा? क्या अभी लंबे वक्त तक रुकेंगे मुख्यमंत्री या फिर आज ही लौट जाएंगे अपने अपने प्रदेश? ठीक है तैनात, ये कयास लगाया जा रहा है अगर सूत्रों की माने तो कल जो नौ निर्वाचित राष्ट्रपति हैं मौजूदा राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनके विदाई समारोह में शामिल होने के लिए देर शाम सारे राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे थे और आज भी ये दिल्ली में मौजूद है। ऐसा माना जा रहा है कि कल बीजेपी शासित समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री की एक अहम बैठक होनी है जिस बैठक की अगुवाई जेपी नड्डा करेंगे जो बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि परसों सोमवार को नव निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ लेंगी तो उस दौरान भी हम देख सकेंगे कि ये तमाम राष्ट्रपति जो मुख्यमंत्री हैं वो वहां मौजूद हो। तो कायनात, फिलहाल अगर सूत्रों की माने तो 2-3 दिन तक ये सारे राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली में मौजूद रहेंगे और ये समय अगर बात करें तो काफी खास भी है और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि एक राष्ट्रपति का चुना जाना देश का वो सर्वोच्च पद है और उसकी गरिमा और उसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए और उस मोमेंट को बहुत बेहतर और अपीलिंग बनाने के लिए ये सारे राष्ट्रपति यहाँ मौजूद हैं। और ऐसा देखने को मिल सकता है कि सोमवार को जब वो शपथ लेंगी चीफ जस्टिस के सामने, चीफ जस्टिस जब उनको शपथ दिलाएंगे तो ये सब भी वहां मौजूद हो तैनात। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रियंका इस तमाम जानकारी के लिए। तुम नव निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण तक हो सकता है कि जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली में ही जो है रहें और आज जो है कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की भी संभावना है। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा के मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर।